मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी टू द एंटायर दंताल ग्रुप और जिया गोल्ड जो एक बहुत ही रिफ्रेशिंग ड्रिंक लाया है. आज का ज़माना है, यू नो, हम मिलेनियल्स के बारे में सोचते हैं, तो ऐसा एक ड्रिंक जो पूरी फैमिली को साथ में रखें, लव्ड वंस को साथ में रखें, और व्हाट अ बेटर प्लेस देन द लवली स्टेट ऑफ गुजरात. तो आज जो हमने अनवील किया है वो है नॉन अल्कोहलिक बियर. और हम तो कहते हैं कि हम चीयर्स करते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं जो वेजिटेरियन हैं और जो अल्कोहल नहीं पीते हैं, तो हम क्यों नहीं चीयर्स कर सकते हैं. तो इसलिए हम ऐसा ड्रिंक लाए हैं जो हम सेलिब्रेट कर सकें. तो ये जो हमारा स्पेशल ड्रिंक है वो सेलिब्रेशन के लिए है कि हम भी चीयर्स कर सकें विद दिस ब्यूटीफुल, वेरी वेरी वंडरस, बहुत ही डिलिशियस ड्रिंक है जिसका नाम है नॉन अल्कोहलिक बियर बाय जिया गोल्ड दंताल. और मैं मिस्टर दंताल सर को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी आज. सर, थैंक यू. और इसके साथ फीलिंग भी इतनी अच्छी आती है, बहुत पॉजिटिव फीलिंग आती है, एंड यू फील रियली ग्रेट, क्योंकि ऐसे लगता है कि बस अब सेलिब्रेशन का मौसम आ गया है, यू नो. और आज जो अनवीलिंग हुआ है, आज का दिन बहुत शुभ दिन है. आज वैलेंटाइंस डे है, आज प्यार का दिन है, मोहब्बत का दिन है, और हम जिससे भी प्यार करते हैं उनके साथ हम सेलिब्रेट करते हैं. तो व्हाट अ बेटर वे देन अनवीलिंग ऑन दिस वेरी वेरी स्पेशल डे द वेरी वेरी अमेजिंग नॉन अल्कोहलिक बियर. सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द एंटायर ग्रुप ऑफ द दंताल ग्रुप एंड जिया गोल्ड. सर, आपको क्या ख्याल आया कि ये बियर अल्कोहल्स के और इसको लॉन्च करने में क्या डिफरेंस लगा, क्यों आपने ऐसे बियर लॉन्च किया? दंताल जिया गोल्ड नॉन अल्कोहलिक बियर हमने जो प्रोडक्ट बनाया है, ये हमारे सभी कस्टमर्स के लिए जो बियर पीना चाहते हैं लेकिन गुजरात में ड्राई स्टेट होने के कारण बियर का मज़ा नहीं ले सकते हैं. और बियर जो ऐसा प्रोडक्ट है हमने जो बनाया है माल्ट बेस्ड बना के, जो माल्ट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट फॉर अवर डे टू डे न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स, उसको दिमाग में रखते हुए उसको हमें बार्ली का, रोस्टेड बार्ली का हमने एक अच्छा प्रोडक्ट बनाया है. माल्ट बेस्ड माल्ट, नेचुरली एक्सट्रैक्टेड माल्ट, उसका बियर हमने बनाया है. एंड वी आर वेरी कॉन्फिडेंट दैट लोगों को अच्छा लगेगा. प्रोडक्ट इज़ रियली गुड एंड इट्स पेट बॉटल में है. 300 ml में पेट बॉटल का कॉस्ट सिर्फ 30 रुपया है. वाओ, अनबिलीवेबल. मार्केट में इसका कैसा रिस्पांस आ रहा है? अभी आज हमने लॉन्च किया है, अब लॉन्च हुआ, आज पहला दिन है, हमने मार्केट में डालना शुरू कर दिया है. और हम उम्मीद रखते हैं कि आने वाले दिनों में हमारा नॉन अल्कोहलिक बियर दंताल जिया गोल्ड नॉन अल्कोहलिक बियर नंबर वन बनेगा. एंड हमने, हो सकता है कि आने वाले दिनों में लोग हमारे पीछे लगेंगे, पीछे आएंगे हमारा प्रोडक्ट को कॉपी करने के लिए. ये हमारा कॉन्फिडेंट, बिकॉज प्रोडक्ट इज कम आउट वेरी वेल एंड वी वेरी कॉन्फिडेंट दैट प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी डू एक्सट्रीमली वेरी वेल. इट इज अमेजिंग. मैं चाहूंगी कि आप भी प्लीज इसे टेस्ट कीजिए और अभी टेस्ट कीजिए. यस यस, इस इंटरव्यू के बाद, ठीक है ना? थैंक यू. मनीष जी, आप भी बताओ सर, आपने इतना बड़ा, पहली बार इंडिया में ऐसा लॉन्च हुआ है, तो आपको कैसा लग रहा है कि आगे आने वाले टाइम में इसका? दंताल जिया गोल्ड नॉन अल्कोहलिक बियर, जिसका हमको काफ़ी टाइम से इंतज़ार था, आज वो दिन फाइनली हमने लॉन्च कर दिया. और एक, जैसे हमारे सर ने अभी बताया, कि एक ऐसा प्रोडक्ट है जो लोग बियर के नाम से गुजरात में हम नहीं पी सकते, तो एक नॉन अल्कोहलिक बियर, जो हम बियर नहीं पर फैमिली ड्रिंक जिसको बनाना चाहते हैं. हम चाहते हैं कि हर घर में हर लोग, चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो, सब उसको एज अ एनर्जी ड्रिंक तरीके, उसके हिसाब से हम पिए. बियर नाम, बियर के अंदर जैसे हमने सर ने बताया कि माल्ट है, माल्ट के हिसाब से एनर्जी ड्रिंक है, और एनर्जी ड्रिंक के साथ हम एक अच्छा प्रोडक्ट रीजनेबल रेट में, अदर कंपनीज़ की अगर हम बात करेंगे तो 90 से 125, 300 ml है, जबकि हमने ये प्रोडक्ट सिर्फ 30 रुपये में अभी लॉन्च किया. और बढ़िया प्रोडक्ट, अच्छी क्वालिटी, अच्छा प्रोडक्ट. जिया गोल्ड का स्लोगन है स्वाद का नया अंदाज, तो स्वाद का नया अंदाज हमने इस प्रोडक्ट में लाने की 100% कोशिश की है. ये पीने से स्वास्थ्य के लिए कैसा हो सकता है? इसमें क्या क्या फ्रूट है, मिक्स है या और कोई है इसके? जिस हिसाब से हम सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं उसी लेवल का एक ये ड्रिंक है. और उसमें माल्ट, एक माल्ट हमारा जो मेन फ्लेवर है बियर फ्लेवर, उसमें माल्ट है, इसलिए पीने से उसमें सिर्फ CFD कार्बन डाइऑक्साइड वाला ही प्रोडक्ट है. इसमें और कुछ ऐसी चीज़ नहीं है जो हमको स्वार्थ को हानिकारक करेगी. सर के लिए क्या बेनिफिट रहेंगे अगर? जैसे हम माल्ट जौ पीते हैं, जौ गर्मी के मौसम में जौ हम क्यों खाते पीते हैं? ताकि शरीर को ठंडा लगे, कूल करे वो. तो वही माल्ट हमने इस बियर में दिया है, वही बियर जब हम ठंडा चील करके पिएंगे तो वही हमको एहसास होगा ठंडक का, उसी का हमारा माध्यम है. थैंक यू.